बिसमिल्ल रन अस्सलाम असलम वीअर्स वेलकम टू मिलिट्री डायरीज एपिसोड नंबर वन आज का एपिसोड पहला एपिसोड है मिलिट्री डायरीज के हवाले से और ज़्यादातर ये मेरी आप बीती है मेरे दोस्तों के जो साथ है जो मेरा गुज़रा पास्ट में तो कहानी जो आज का एपिसोड है वो मैं ये एपिसोड थोड़े छोटे ही रखूँगा और आज का जो मैं आ, स्टोरी कवर करना चाहता हूँ वो है बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन तो बैकग्राउंड जो स्टोरी सुना रहा होता है थोड़ा सा उसको अपना इंट्रोडक्शन भी देना चाहिए ताकि जो सुनने वाले लोग हैं कम से कम उसको जान सकें कि वो क्या सुना रहा है और जो इसमें बातें हैं ऑब्वियसली वो कोई कन्फेशन नहीं है या कोई ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है इट्स अ पब्लिक टाइप ऑफ मटेरियल जो कि आजकल आप लोग वैसे आई के ड्रामा में भी व्यू करते हैं और इसके नीड मैं समझता हूँ कि आजकल के दौर में लोगों को अपनी जवान नस्ल को यूथ को जो है वो मोटिवेट करना है अपने मुल्क से मोहब्बत जो है वो पैदा करनी है तो उनको बताना है कि जी हमारे कितना इंथ्यूजिक जो है वह ज़िंदगी गुजरती है तो बहरहाल कमिंग आउट द टॉपिक तो जी मेरी पैदाइश जो है वो बेसिकली इकहत्तर के जंग के दिनों की लाहौर की पैदाइश है उन्नीस सौ इकहत्तर की और चूँकि इस मौके की पैदाइश थी तो मैं कुछ थोड़ा सा आ, अलग किस्म का ही इंसान अपने आप को समझता हूँ मेरे शौक़ मेरे हॉबीज़ थोड़े से डिफरेंट किस्म के थे मेरा सोच का जाविया निगाह थोड़ा सा बड़ा डिफरेंट था अच्छा बहरहाल 73 में हम लोग फिर राहुल पिंडी आ गए और आ, मेरे फादर का फिर वो इनिशियल जो है वो सी के ऑफिसर्स में एम एल एन सी मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट्स में जब वो थे तो वो पाइनियर्स आ, में से थे पाकिस्तान बनने के बाद और आ, उन्होंने बहुत अच्छा सर्व किया तकरीबन हर कैंट में सर्व किया बीइंग कंटोनमेंट एग्जिव ऑफिसर और फिर एम भी और फिर जब वो पिंडी में थे एम एल में तो uh, 78 में जो है उनकी डेथ होगी तो आई वॉज सिक्स इयर्स ओल्ड जब उनकी डेथ हुई तो मैं इकलौता बेटा हूँ अपने उसमें और अपने ख़ानदान में भी मैं शायद अकलौता ही था जो फ़ौज में सेलेक्ट हुआ तो एक तो ये बताना ज़रूरी था कि सिफारिश वाला इम्पेक्ट वो उस तरह नहीं होता तो कोई फौजी बैकग्राउंड नहीं था मैम अच्छा अब बात ये थी कि चूंकि हम आ, मेरे फादर मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट्स में थे और इसलिए हमारी रिहाइश जो वो कैंट में थी अब बचपन में जो होते हैं लोगों को पॉलिटिक्स और इसका तो पता नहीं होता बचपन के लोग बचपन जो है इंसान हर आ, उसका बचपन में इंसानों का एक अपना ही सोचने का एक तरीक़ाक होता है तो उन्हें पता नहीं के रिश्ते क्या हैं फलाने के हैं वो एक अपने ही थॉट प्रोसेस में एक मगन होते हैं और ज़िंदगी का मज़ा ले रहे होते हैं हालांकि मेरे फादर की डेथ थी मुझे अभी भी सारा कुछ याद है तो उसके बाद फिर बतजरीज हम लोग आगे बढ़ते चले गए स्कूल में था तो हमारा जो घर है वो बेसिकली आ, रेस कोर्स जो है ना सामने नज़र आता था वहाँ से तो इस तरह था कि जब हम छोटे छोटे थे तो स्कूल में तो जो है आ, दिसंबर का वक्त था मेखल दौर हक साहब का ही था दौर तो उस वक्त तो आपको नहीं पता होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा तो जो हमें चीज़ जो जिन्होंने ट्रैक किया बेसिकली दिसंबर में उस वक्त जो थे वो तेईस मार्च की जो थी ना उसकी तैयारी शुरू हो जाती थी और जो दिसंबर में जो फिर परेड की जो प्रैक्टिस थी वो दिसंबर के महीने से स्टार्ट हो जाती थी तो हम मुझे याद है कि हम स्कूल की में जो सुजुकी वैन आती थी हमें बच्चों से भरी हुई जो उस वक्त में उस दौर में तो वो अर्ली एटीज़ की बात है तो उसके बाद जो है सेवेंटी नाइन एटी एटी वन इस तरह छोटा था मैं तो वो जो है जब गुजरती थी तो उससे पहले जब हम वेट कर रहे होते थे, थे ना तो वो मार्च पास करते हुए जो हैं वो जवान रोड से गुजरते थे तो मैं उनको बड़ा ना वो साथ उनका जो मिलिट्री बैंड है वो हर दस्ते का साथ होता था और तीन चार दस्ते जो हैं वो हमारे घर के सामने से गुजर के जो है रेस कोर्स रोड में जाते थे रेस कोर्स पार्क में जाते थे उस वक्त परेड वहाँ होती थी और ये वो दौर था कि जिधर चौदह अगस्त हो तेईस तेईस मार्च का हो आज़ादी के दिन हो सिक्स सेप्टेम्बर डिफेंस डे हो और या कोई भी हो मिली नगमे मुल्क से मोहब्बत और जो हमारे आ, जो दौर के लोग हैं जो सेवेंटीज़ के पैदाइश और एटीज़ की उनकी अर्ली स्कूलिंग हुई हुई है तो प्राइमरी सेकेंडरी लेवल की तो उन बच्चों में ना एक एक अलग सा जोश और जज्बा ज़़, जो है ना वो पाया जाता था पीटीवी का दौर था और ऑब्वियसली कुछ मुल्क के माहौल ऐसे थे हमें तो बाकी चीज़ों का इल्म नहीं था लेकिन सुकून से पढ़ाई प्राइवेट स्कूल्स नहीं थे वही हम तो सारे सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए थे और वही बड़े हमारी मुझे याद है कि हमारी जो मैट्रिक की क्लास में मैं ख़ल कोई पंद्रह से बीस जो लड़के हैं वो तो सिर्फ फ़ौज में गए और बाकी जो माशाल्लाह क्लास है वो बहुत ही लाइक निकली हमारा जो अट्ठासी का मैट्रिक का रिज़ल्ट था और बहुत ही अच्छी अच्छी पोस्टों पे कुछ बाहर के मुल्क कुछ इधर सब ने अपनी अपनी जगह पे जो है ना अपना वो सिक्का मनवाया तो बहरहाल बताने का मकसद ये कि मेरे मैं जब थ्री क्लास में था ना तो आई वॉज इन स्टेशन स्कूल जो पिंडी में अगर जा जानते हैं तो दो स्टेशन स्कूल थे जो ये आर ए बाज़ार के साथ स्टेशन स्कूल था तो मैं वहाँ पढ़ता था मतलब ट्रैप वन और टू और थ्री तक पढ़ सकते थे उसके बाद फिर वो लड़के जो हैं वो फोर्थ क्लास से मैं सर सैद स्कूल में आ गया था तो उस मुझे मुझे याद है कि थर्ड क्लास का एक बच्चा जो है बहुत छोटा होता है लेकिन उस वक्त जब हम ड्राइंग किया करते थे तो, तो मैं ड्राइंग में भी जो है ना मुझे बचपन से एक ज़रूर मैं देखा करता था कि जी पैरा ट्रूपर्स उतर रहे हैं क्योंकि क्या था एट द बैक ऑफ योर माइंड कि जी जो हम तेईस मार्च की परेड देखते थे तो वो पैरा ट्रूपर्स उतरते थे, थे और सारी वो फौजी आपका सारा टैंक गुजर रहे हैं फलाना तो वही थाट्स आपकी ना इकट्ठी होती हैं तो वो फिर हम जो ड्राइंग में बनाता था वही ऊपर से पैराशूट उतर रहे हैं टैंक चल रहे हैं फौजी बना रहे हैं जो वो बच्चा जो ड्राइंग कर सकता था तो मुझे आज भी याद है मैं स्टेशन स्कूल में वाली ड्राइंग करता था तो इस तरह ना मैं उनको सलूट करना और फिर उन्होंने वो उस वक्त पुराने वक्तों में आपको याद होगा लंबे से कैमराज होते थे मिनोल्टा के शायद तो वो उनके साथ जो सीनियर जो भी था उस वक्त रैंक का बंदा तो वो अक्सर जब फुल ड्रेस रिहर्सल होती या कोई बीच में अच्छा डे होता तो वो सेल्फीज़ भी हमारे साथ उस वक्त वो उनके साथ में खिंचवाता वो खींचते पता नहीं अब कौन लोग थे शायद जिंदा हयात हो, हो या ना हो कब तो हम ख़ुद बूढ़े हो गए तो बहरहाल ये बैकग्राउंड मुझे आपको बताना था कि एक मोहब्बत जो है ना बचपन से स्कूल के ज़माने में अपनी फौज के लिए अपने अफौज के लिए जो है ना कूट कूट के भरी हुई थी तो फिर जब हम प्राइमरी से थोड़ा सा सेकेंडरी लेवल पे आए नाइन्थ और टेंथ में तो जब साइंस थोड़ी सी पढ़ी तो मैं बेसिकली आर्ट्स की तरफ थी आर्ट्स मेरी बहुत वीक थी तो मैं साइंटिफिक सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा था फिज़िक्स मैथ्स और अल्लाह एक आदम अखल टीचर हमारे फोर्थ भी हो गए एक दो जिनसे मैंने फिज़िक्स पढ़ी और सारा माशाल्लाह इतने टीचर चाहे उर्दू हो कोई फारसी हो या ड्राइंग के सर थे या जो भी सरकारी स्कूल के टीचर्स थे आज भी हमारे जो जो मेरे क्लास फेलोज़ हैं हमारी अभी भी गेट टुगेदर होती है और जो अभी पिंडी इस्लामाबाद में हैं वो उनके घर में भी जाते हैं बुज़ुर्गों से मिलते हैं उनके अभी भी पैर छूते हैं क्योंकि उस वक्त हम लोग उस्तादों को वाकई उस्ताद मानते थे और वो वाकई में उस्ताद जैस के इज़्ज़त के काबिल थे क्योंकि उन्होंने जो हमारी बेस हमें एज अ फेडरल गवर्नमेंट के स्कूल में हम पढ़े हैं मैं आज भी उनको दुआएं देता हूं जो उन्होंने हमारी बेस बनाई अच्छा अब मैं थोड़ा सा ना माइंड शिफ्ट की इधर बात करना चाह रहा था इसलिए मैंने आपको पहले जिक्र किया कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट था बाकियों से तो जब नाइन्थ में और मैट्रिक में, में जब आप साइंसिस पढ़ते हैं फिज़िक्स केमिस्ट्री हो जाती है और सारा बायो तो मैथ्स में, में, में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था बायोलॉजी में तो इतना तो नहीं था फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री बेसिकली तो आप यकीन मानिए कि एक तो मैंने नाइन्थ क्लास में हमारे जो घर था रेस कोर्स के साथ ही तो उधर वो ब्रिगेडियर साहब थे रिटायर्ड उनके उन्होंने उनके पास ये चार प्लॉट्स थे एक प्लॉट खाली था पहला नंबर घर दूसरा नंबर घर तीसरा प्लॉट खाली और चौथा चौथा ये तीन जो घर बने हुए थे तीनों किराए पे उन्होंने दिए हुए थे ब्रिगेड साहब तो हम पहले वाले घर में रहते थे सेकंड में हमारे हम सायब बदलते रहे हैं तीसरा जो प्लाट था चौथा घर जो था वो रेकोजिशन उन्होंने कराया हुआ था आ, सप्लाई और एस के ऑफिसर्स उधर आपके लेफ्टिनेट कर्नल जो है ना वो ठहरते थे तो ये ये सिचुएशन थी तो वो अच्छा जो हमारे साथ जुड़ा हुआ जो घर था उसके पीछे तीन मतलब एक स्पेयर क्वार्टर था बीच में दोनों घरों के ना तो एक वो क्वार्टर था वो यूज़ भी नहीं था किसी के तो उसमें क्या किया कि वो शेल्फ़ बनी हुई थी तो मैं नाइन्थ क्लास में मुझे याद है कि जब हमारे प्रैक्टिकल शुरू हुए तो मैंने जाके सदर से ना वो सारा इक्विपमेंट जो है ना केमिस्ट्री का मैं उठा के ले आया और ऊपर मैंने ना ड्राइंग चार्ट पे दरवाजे के ऊपर लगा दिया डॉक्टर न्यूट्रॉन डॉक्टर प्रोटॉन मेरा एक हमसाया था बचपन का दोस्त एक वो हम मेडिकल के वो कोट्स भी मंगवा लिए लैब वाले जो वाइट वाले जो होते हैं वो भी पहन लिए अब मेरे पास ना पूरी लैब का सामान था मैंने सल्फ्यूरिक एसिड की बॉटल ली हुई थी नाइट्रिक एसिड था एच था और सॉल्ट थे चाइना डिश बीकर फ्लास्क हर चीज उसमें ब्यूरेट और पता नहीं, जो 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 आप तो मुझे भूल गई हैं तो दूसरा फिर संडे बाजार में हम जाते थे फुटपाथ पे वो डॉक वो रखे होते थे रसाले तो वो मैं लेके आता था पुरानी बुक्स जिसमें के जो है ना गैसेस बनाने का तरीका और मुख्तफ एक्सपेरिमेंट थे और नाइन्थ क्लास के बच्चे आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आजकल के स्कूल में शायद वो प्रैक्टिकल भी सही तरह नहीं कराते और मैं अपने प्रैक्टिकल्स करता था उस लैब में और मैंने हर गैस बनाई है जो पॉसिबल थी लैब के अंदर बनाना और मतलब मैं साइंस को इस हद तक एंजॉय किया जब मैं मैट्रिक में आया तो फिर मेरा शौक थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ गया जब थोड़ा सा डीप पड़ा मैट्रिक बाय मैट्रिक तक मैंने जब हुआ तो मैंने जो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था मैं पहले छोटे प्रोजेक्ट से शुरू किया इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी बैकग्राउंड सीखी उसके बाद मतलब ख़ुद से पढ़ पढ़ के वो संडे बाज़ार से रसाले लेके तो मैंने फिर जाके कॉलेज रोड पिंडी से ना मैं उससे पहले कराची का एक वो आता था रसाला जिसमें वो प्रोजेक्ट्स ना बच्चों के लिए कोई तीस रुपए का कोई चालीस रुपए का क्लैप स्विच बनाए फलाना बनाए तो वो उनके ना वो प, आता था रसाले में वो प्रोजेक्ट नंबर्स लिखे होते थे फिर हम उनको ख़त लिखते थे कि जी हमें ये चालीस नंबर जो प्रोजेक्ट है ये हमें ना वो साथ मनी ऑर्डर भेज देते होंगे मुझे अब सही तरह याद नहीं है तो उसका सर्किट डायग्राम और उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो पैकेट ना वो आपके पास मेल में आ जाते थे तो वो फिर हम उसको जोड़ते थे सोल्डिंग गन रखी हुई थी सारा मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का फिर इक्विपमेंट लिया हुआ था तो उस तरह मैंने क्लैब स्विच बनाया मैंने फलाना बनाया एफ रेडियो माचिस की डिब्बी में वो एक बड़ा मशहूर प्रोजेक्ट था वो किया तो ये बैकग्राउंड बताने का है कि मेरा ना रिसर्च ऑरिएटेड आहिस्ता दिमाग हो गया तो मैंने जो फ़र्स्ट बड़ा प्रोजेक्ट किया मेट्रिक के अंदर मैंने आ, पूरा जो उस वक्त ये आपको याद है पाकिस्तानी डेक्स बड़े मशहूर हुए थे तो वो मैं लेके आया उसकी बॉडी अलग लेके आया उसकी मैकेनिकल की किट मिलती थी वो लेके आया प्री की किट थी वो लाया उसके बाद एम्पलीफायर की किट थी वो ली और साथ बीच में आ, इक्वलाइज़र की ये तीन किटें लगती थी और फिर इन आ, उसकी नॉब्स वगैरह सारा कुछ जो है वो सारा यकीन करें डायग्राम देख के मैंने सारी सोल्डिंग की सारा बनाया बॉक्स में एक रात के अंदर मैंने स्पीकर्स भी वो डब्बे लेके आया कटे हुए होते हैं स्पीकर्स उसी चाइना के स्पीकर थे मैं खाल उस वक्त दस इंच के या आठ इंच का स्पीकर वो फर्द थे वो उसमें फिट किए सारा कुछ किया ड्रिल मशीन वगैरह सारी थी और एक रात के अंदर मैंने सुबह से ले अगली सुबह तक वो डेक मैंने उसको ऑन कर दिया तो डेक चला दिया अच्छा उसके अलावा मेरा इंटरेस्ट क्या था हमारे बचपन में ये इंटरनेट तो इस तरह की तो चीज़ें थी नहीं ना मोबाइल थे फजूल किस्म के तो फजूल तो नहीं है इसका यूज़ेज तो बहुत अच्छा है अगर आप अच्छे चीज़ों को इस्तेमाल करें अपनी नॉलेज के लिए तो कहने का मतलब तो उसका किताबें पढ़ने का ज़्यादा रुझान था तो और हॉबीज़ लोग पालते थे तो मैंने जासूसी नावल हमारे उस जमाने में हम लोग पढ़ा करते थे नाग मारिया और वो वाली तो खैर मुझे इतनी ज़्यादा नहीं अट्रैक्ट करती थी मेरी जो बेस्ट सीरीज़ थी वो इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज़ थी और फिर साथ इंस्पेक्टर कामरान सीरीज़ तो ऑबियसली वो जासूसी नावल पढ़ पढ़ के उस स्कूल के जहन में ना तो हम लोग थोड़े से जासूसी टाइप महसूस करना शुरू हो जाए तो वह करेक्टर जो है हर बच्चा जिस तरह के पढ़ता है वो अपना लेता है तो मैं भी बड़ा एडमायर करता था यार क्या ज़बरदस्त है तो हमने मोहल्ले में क्योंकि उस वक्त जो है ना वर्चुअल वर्चुलस्तियाँ नहीं थी फ़िज़िकल दोस्तियाँ थी तो जो हमारा कैंट का जो वो माहौल था फैमिलीज़ का बड़ा अच्छा माहौल था तो उसमें ना सारे बच्चे इकट्ठे हम थे हमने ग्रुप बना लिया था उसका नाम मुझे याद भी याद है सीक्रेट सेवन रखा था और हम अपनी पॉकेट मनी में से पाँच पाँच रुपए जो है ना वो मनी बॉक्स हमने एक फ़ंड क्रिएट किया था एक छोटा सा बॉक्स उसके अंदर पाँच पाँच रुपए इकट्ठे करते थे या दस दस रुपए इस तरह वो इकट्ठे करके काफ़ी हो जाता था तो कुछ चीज़ चाहिए होती थी तो हम वहाँ से ख़र्च करते थे किसी दोस्त के पास वॉकी टॉकीस पड़ी थी तो वो दे दी क्या हो गया तो हमने फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने जब इलेक्ट्रॉनिक्स की, की तो हमने घरों में फ़िज़िकल आ, ये पी टी की तार यूज़ करके ना दरख्तों पर ऊपर बंदा चढ़ा के तो रोड का क्रॉस करके तो वो पुराने एक टेप रिकॉर्डर्स होते थे एक सिंगल स्पीकर वाले बड़े ज़बरदस्त आपको याद होगा सोनी के या पनासोनिक के थे नेशनल के तो उसका मैं हम क्या करते थे कि वो टेप डलती थी तो आप अगर उसको जेक करें तो टेप रिकॉर्ड बटन नहीं दबता ना तो उसके नीचे एक होता है वो उसको पुश करके तो हम रिकॉर्ड बटन दबा देते दे थे तो उससे क्या होता था कि उसका माइक एक्टिवेट हो जाता था तो हमने दो तारें जो है ना कि एक स्पीकर की माइक की तार जो है वो दूसरे के स्पीकर में लगाई क्रॉस में और उसकी माइक की तार अपने स्पीकर में लगाई तो जब हम रिकॉर्ड का बटन ऊपर से प्रेस करके जब टेप ऑन करते थे तो वो एक टू वे कम्युनिकेशन का ज़रिया बनता था अच्छा उस दौर में उस जगह पे क्योंकि ये पिंडी का उस वक्त जो लोग जानते हैं तो बड़ा ना कम आबादी के वो था तो उधर हमारे यहाँ ना कुछ हमने ऑब्ज़र्व किया वो सीक्रेट सेवन की एक वो बनाई सर्विस के अपने मोहल्ले के नक्शे भी बनाए कि यार हम प्रोटेक्टर्स हैं जिस तरह मोहल्ले के क्या छोटे बच्चे साइकिल साइकिलिंग करते जो फुटबॉल खेलते क्रिकेट का सीज़न आता क्रिकेट खेलते हॉकी खेलते सारी स्पोर्ट्स हम खेलते थे तो वो उस पर यह हुआ कि ये सारी स्टोरी हम बिल्डअप करते रहे तो उसका इस तरह हुआ कि ये हमने आखिरकार मैट्रिक कर लिया जब मैट्रिक कर लिया तो अब हमारे साथ कुछ बच्चे ऑब्वियसली फौजियों के भी थे फेडरल एफ में तो सारों ने कहा गया कॉलेज में मैट्रिक में अच्छा रिजल्ट आ गया ऑब्वियसली उस ज़माने में ए ग्रेड में अच्छे नंबर थे तो दाखला लेना था तो हमने कहा कि नहीं यार आप आर्मी का भी शौक है तो आर्मी में क्यों ना अप्लाई करें तो हमने पहले सबसे पहले 88 में आर्मी में अप्लाई किया तो हम क्लास फेलोज़ गए सारे आई वो मैं फिर अगले एपिसोड में बताऊँगा डिटेल अच्छा बचपन में फिर ये भी शरारतें थीं कि जो है ना मतलब ये मेरा कैलेबर फिर हमारा साथ फ़िज़िकली खेलना और शरारतें साथ ये करनी कि कभी वो किसी की बैल बजा के भाग जाना किसी का क्या कर देना तो उस वक्त की जो बचपन की एक्टिविटीज़ थी ना वो आपस में कॉमरेडशिप बहुत ज़्यादा थी फिज़िकल दोस्तियाँ थी वर्चुअल रिलेशनशिप्स नहीं थे और दूसरा जो था कि जो है ना मुल्क से मोहब्बत का अंसर बहुत था क्योंकि शायद सोशल मीडिया नहीं था और जो चीज़ हम देखते थे फिज़िकली और वही अपनाते थे तो यकीन करें कि कभी इस तरह की कभी जहन में सोच ही नहीं आई बचपन होता है लोग जो है वो वैसे ही बच्चे जो हैं वो गैर सियासी होते हैं और हर चीज़ बहुत बेहतर थी एक नॉस्टैल्जिक सा लगता है कि जो सेवेंटीज़ और एटीज़ के दिहाई के लोग हैं अब पचास से ऊपर उम्र है तो वो एक बहुत अच्छा दौर था तो बहरहाल मैट्रिक के बाद फिर हम जब आई सस गए तो अगली कहानी आप अगले एपिसोड में सुनिएगा क्योंकि इस वक्त वैसे भी अठारह उन्नीस मिनट का जो है ये एपिसोड हो गया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपको मैं आई से अगले गेट तक की कहानी शेयर करूँगा स्टे ट्यून्ड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स टाइमली मिलते रहें थैंक यू वेरी मच टेक केयर